हेलो, मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के चार राउंडों से फ़ायदे क्या हैं। देखिए, इस बार तो भयंकर फ़ायदा होगा आपको चारों राउंडों में, और लास्ट राउंड में तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दे दिया है कि स्टेट और ऑल इंडिया की काउंसलिंग साथ साथ नहीं होगी। ऑल इंडिया का जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो स्टेट का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। किस बच्चे को कौन सा कॉलेज अलाट हुआ है वो सब एक नया ऐप तैयार किया गया है, उस पर बाकायदा सब लिखा रहेगा। इससे कोई भी सीट ओवरलैप नहीं होगी, कोई भी बच्चा एक साथ दो सीटें ओवरलैप नहीं कर सकता है। और जिसको कॉलेज अलाट हो जाएगा सेकेंड राउंड में, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से कम इस नियम से 500 बच्चों को फ़ायदा होगा, 500 और डॉक्टर बन जाएंगे। 2021 में कम से कम 500 और डॉक्टर बनने चाहिए थे जो सीट ओवरलैपिंग के कारण नहीं बन पाए। इस बार सीट ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए 500 और डॉक्टर बनेंगे, और 500 कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। इसलिए इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, और ऑल इंडिया के चारों राउंडों में आपको पार्टिसिपेट करना है। कॉलेज मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली अगले राउंड के लिए आप उपलब्ध नहीं होंगे, कर ही नहीं सकते। तो जिनको कॉलेज नहीं मिलता है वो आखिरी चांस तक काउंसलिंग में बैठेंगे, और ज़रूर उनको कॉलेज मिलेगा। हताश बिल्कुल मत हो, क्योंकि इस बार ऑल इंडिया का खटाव लास्ट राउंड का 2021 से 25 या 30 नंबर कम जाएगा, इसलिए आशा मत छोड़ना, ज़रूर आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने अपने ग्रुप पर शेयर कर लीजिए। ओके।